महासमुंद जिला जो है छत्तीसगढ़ में धान जो है बेचने के मामले में तीसरे नंबर पे आते हैं। छत्तीस लोग जो है ये चीज आज जो है जानने आए कि महासमुंद जिला में जो है धान की इतनी ज्यादा पैदावार या फिर इतनी ज्यादा मतलब उत्पादन कैसी होती है। तो आज जो हम लोग आपको जो है कुछ ऐसे जो है किसान से मिलाने वाले हैं जो धान जो कंपनी है उसकी जमुना 804 वेरायटी लगा रखे हैं और उनके जो है बहुत अच्छे कहानी भी है। तो आइए उन्हीं से हम लोग जो है बात करते हैं और जो है जानते हैं कि जो पान कंपनी का जमुना 804 वैरायटी क्या है, किस तरीके से उसकी प्रोडक्शन होती है और क्या उनके जो है राय है। सर आप सबका नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो पान कंपनी के बारे में और ये जो जमुना 804 के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं। मेरा नाम तरुण सिन्हा है और मैं पान जमुना को लगभग अभी कम से कम 12 एकड़ में लगाया हूँ और पिछले साल भी लगाया था। और ये धान में बीमारी कम है और उत्पादन तेज है और इसका बाली में 300 से ऊपर में हर बाली दाना है। इस धान को एक बार लगाने के बाद मैं बहुत खुश हो गया और मेरे साथ में ये जो भैया खड़े हैं यही मुझे धान के बारे में बताएंगे, ये ज़्यादा जानेंगे क्योंकि यही मेरे को धान बताए तब हम ला के इसको लगाएं। ये इनका मेरा नाम खीर सागर विशाल है, ग्राम छातामोहा का मैं किसान हूँ। और ये जो पान जमुना जो बोर्ड देख रहे हैं 804 पान जमुना, ये खेती मैं करीबन 4 साल से कर रहा हूँ। ये अपना छत्तीसगढ़ में ये बीज मेरे को नहीं मिला था जब मैं पहली बार यहाँ खेती किया, तो ये मैं बड़गढ़ से लाया था इस बीज को 4 साल पहले और 4 साल से मैं कंटिन्यू इस धान का उपज कर रहा हूँ और मेरे को बेहतर उपज मिलता है बाकी धानों से। और पान जमुना जो है मैं अभी 15 एकड़ में लगाया हूँ और लगातार 4 साल से मैं 15 एकड़ में लगा रहा हूँ और मेरे को बेहतर उपज मिल रहा है। तो सर इससे पहले आप अलग अलग प्रकार के धान लगाए होंगे, 4 साल से आप जो है पान कंपनी का जमुना धान को लगा रहे हैं जी, उत्पादन में आपको कितना अंतर लगता है? उत्पादन में मेरे को 1.5 गुना का मुनाफा होता है। अच्छा, मंडी में जैसे जाओगे, जैसे कि मान लो के पास 200 बोरी बेचना है तो आप इसको अगर 160 बोरी लेके गए हो तो आपका 80 क्विंटल हो जाएगा, 200 बोरी हो जाएगा, इतना वजन बाकी धान ज्यादा ये वजन आता है। आप बाकी का धान को तौला लेना और इसका धान को तौलाना ज्यादा ही आएगा। और मैं पान का 24-23 हाइब्रिड भी लगाया हूँ, गंगा पिंक भी लगाया हूँ और पिछले साल भी हाइब्रिड लगाया था और इस बार भी पूरे मेरे 25-27 एकड़ में पूरे पान कंपनी के धान लगाए हैं जिसमें हाइब्रिड है, सरना है और गंगा पिंक है जो सामने लगा हुआ है। सर एक दूसरा चीज़ और भी रहती है बीमारी वगैरह के बारे में, चूंकि जैसे कि हम आपका धान को देख रहे हैं किसी तरीके से कोई बीमारी तो नजर नहीं आ रही है, इनके साथ में जो है पिछले 2-3 साल से जो आप लगा रहे हैं तो इसके बीमारी के बारे में सर आप कुछ बताएंगे? इसमें बीमारी एकदम नहीं के बराबर है और इसमें हल्का फुल्का तना छेदक है, बाकी इसमें भूरा माहों को तो शिकायत नहीं है। बाकी सरना और अरना की अपेक्षा जैसे सरना में लास्ट टाइम में लगता है, इसमें मात्र हम एक से एक बार छिड़काव किए हैं और अभी आप बाली को देख लीजिए, ना कोई कीड़ा है ना कोई माहू है, बाकी धन्य की अपेक्षा इसमें बीमारी नहीं के बराबर, ना इसमें सीड ब्लास्ट है ना ब्लास्ट है ना सड़न गलन है, एक भी धान में आपको सड़ंगरा नहीं मिलेगा ना छाव में ना धूप में। ये धान की ये क्वालिटी है और ऐसे उत्पादन ना ही कोई धान में उपज आएगा भी अभी इस डेट में ही करंट में ही। तो सर जैसे कि आपने बोला कि आपने उड़ीसा बरगढ़ से ये वाली धान की वैरायटी लेके आए थे जी, तो आपको इसके बारे में किस तरीके से पता चला कि आपने उड़ीसा जाके ये वाली वैरायटी को लेके आए? यहाँ तो नहीं मिल रहा था ये धान, मैं पता किया कि मेरे मामा सरेपाली से कि बोले कि जमुना अगर मिल पाएगा तो लगा के देखो बहुत उपज आता है बोल के। उसके बाद मैंने ढूंढना चालू किया सरेपाली पिथौरा बसना सांकरा अपने क्षेत्र में महासमुंद तक, नहीं मिला। उसके बाद बड़गढ़ में एक जने को फोन किया तो बताया कि मेरे पास है, लगाया था पहली बार लगाया था, उसके बाद आना मार्केट में मिलना चालू हो गया। दूसरे साल में 15 एकड़ खेती किया, पहले साल मात्र में 4 एकड़ खेती किया था। एक चीज और सर, इसकी उम्र कितनी है जो सामान्य धान की जो उम्र होती है? 40-45 दिन पक जाता है तब। और बाकी धान की अपेक्षा से पानी भी कम है और इसमें खातू और पानी अगर टाइम से मिल गया तो ये खातू बाकी धान से पहले हो जाएगी, ये खासियत इस धान की भी जी। सर आपने ये धान की रोपाई करी है सीधी बिजाई? ऐसा रोपाई है सर। तो सर बहुत से किसान जो हमारे भारत में सीधी बिजाई भी करते हैं रोपाई भी करते हैं, तो क्या ये दोनों स्थिति के लिए ठीक है? अपने भी रोपाई किए हैं और बुआई में भी ठीक है, बुआई में बशर्ते ये है कि उसको उस बुआई में थोड़ा सा यूरिया कम डालना पड़ता है, नहीं तो ज्यादा गिर जाता है। यूरिया मतलब कम डालना पड़ता है, डीएपी सुपर डालो हो गया उसके बाद धान हो जाता तो है बुआई में भी ठीक। जो ये जमुना धान गिरता है वो तने की कमजोरी की वजह से गिरता है कि धान की लोट की वजह से गिरता है? धान की लोट की वजह से गिरता है, मतलब मजबूत पकने के बाद गिरता है, मतलब तुरंत नहीं गिरता है। ऊपर से प्राकृतिक हवा पानी करे तो उसको तो कोई बोल नहीं सकते। नहीं सही बात है, प्रकृति का तो भाई किसी के पास तोड़ नहीं होती। और जैसे कि आज हम ये जो भैया के खेत में है कहीं पर हमको जो है तना छेदक भी नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर भूरा महो का भी ऐसी कुछ शिकायत नहीं है, पेनिकल माइट्स किसी भी तरीके से जो हम लोग देख रहे हैं इनकी बाली। और सर ये जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूं तो बाकी धान की अपेक्षा
ज्यादा लगता है या फिर किस तरीके से जो खाद वगैरह है? खाद इसमें कम लगता है सर, कम लगता है इसमें। अच्छा, यूरिया बहुत ही कम लगता है, मान कि एक एकड़ में 15-20 किलो डाल दिया तो हो गया। अच्छा जी, वो अपने आप बढ़ेगा, पानी पड़ेगा और एक बार खाद पड़ा अपने आप बढ़ जाएगा, बाकी धन की अपेक्षा। मतलब फर्टिलाइजर की भी मतलब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप बस इसमें डीएपी और पोटास और सुपर डालिए, यूरिया नहीं के बराबर है। नाइट्रोजन की मात्रा पहले शायद तक मिला है इसमें, तभी धान इतना बढ़ रहा है, क्योंकि देखो सामने जो हमारे से हाइट में ज्यादा बढ़ा है वो धान गिर चुका है, क्योंकि ज्यादा लोड हो गया उसमें, वजन होते या सूखते जाएगा, बाकी उत्पादन है। अच्छा, उत्पादन इनका काफी अच्छा होता है। स्वर्ण धान जो कि 70-29 एक वैरायटी है, उसको जो है किसान ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसके मुकाबले ये वाली धान की क्या कंपेयर है आपके हिसाब से? सर अब क्या है, देखिए उत्पादन तो ज्यादा मिल रहा है सर, अब किसानों को सरकार 2800 रुपए दे रही है अगले साल से, तो क्या जैसे आप अच्छा बीज लगाएंगे, भले एक बार खर्चा करिए, क्या बार बार खर्चा, ये आपको पैसा उत्पादन बना के दे देगा। इसके पैकेट में आप सोचेंगे ना, बाकी धान से ज्यादा उत्पादन है, और क्या है अगर आप इसको मंडी में जिस दिन बेचने जाओगे ना, उस दिन आपको इसके पर चलेगी सरना और जमुना में क्या फर्क पाया। स्वर्णा में के जो कुछ बीमारी लगते हैं जैसे कि पेनिकल माइट्स, भूरा महो, पत्ती ब्लास्ट, ये सारे चीज लगते हैं, तो इसमें भी वो सब समस्या आते हैं कि कुछ कम इसमें है? नहीं आते नहीं। अच्छा, इसमें साफ है ये धान में, ना रेड ब्लास्ट आता है, ना शीत ब्लास्ट आता है, ना सड़न गलन आता है। सरना की अपेक्षा जो कुमटू बीमारी बोलते हैं अपने भाषा में इधर, ये सरना में लगता है, हमारे इस पान जमुना में नहीं लगता। एक भी आप बाली में नहीं देखेंगे, दिखा दीजिए, एक बाली में ना कि कुमटी मारा होगा ना कहीं पर वो होगा ना, अपने आप जैसे दूध भरा ज्यादा जैसे गुड़ाखू नहीं फूट जाता बोलते हैं लोकल छत्तीसगढ़ी में, तो वैसा ही धान में नहीं है। इसे मात्र आप तना छेदा और भूरा मंग दवा छींटते हैं, और बाकी जैसे सरना में होता है उसमें इस टाइप की बीमारी ही नहीं, क्योंकि ये अलग ही धान है समझो। तो सर जैसे कि भारत से हमारे जो किसान भी देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, तमिलनाडु से लेकर मतलब पूरे भारत से जो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो पान जमुना के बारे में? मैं तो यही बोलूंगा सर, पान अगर धान अगर जिसके पास जमीन अच्छा पानी है, ये पान जमुना तो आपको हर साल लगाइए। मेरे को सर पिछले 2 साल हो गए लगाते इसको, और इसको आगे भी बताते कम से कम 5 साल और लगाऊंगा इस धान को, इसको छोड़ूंगा नहीं, कम से कम 15 एकड़ में जहां मेरा पानी ज्यादा है, और बाकी छोटे जगह में मैं हाइब्रिड लगाता हूं पान का 24-23, और अभी गंगा पिंक लगाया हूं 4 एकड़ में, और पान का 70-29 भी लगाया हूं, वो भी अच्छा है। पान का सरना जो लगाया हूँ 25 किलो वाला, वो भी ताबड़तोड़ है उत्पादन में और वजन में भी, उसमें भी बीमारी कम है। किसान भाइयों जैसे कि आपने देखा अभी जो है हम लोग किसान भाइयों से मिले हैं, उनके खेत में खड़े हैं, धान को भी हम लोग देख रहे हैं, किसी आ जाता है निश्चित तौर पर इनके बातों से लग रहा है कि धान में जो है वजन है, और इनका कहना है कि धान अगर गिरता भी है तो धान के वजन के वजह से गिरता है, मतलब पेड़ की कमजोरी की वजह से नहीं गिरता। निश्चित तौर पर पेड़ कमजोर ना होने की वजह से जो है इसमें भूरा माहो का अटैक भी होगा, तो कुछ हद तक जो है पौधे सह सकते हैं, और हमको देखने में भी लग रहा है कि पौधे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आने वाले समय में आप भी जो है कुछ धान लगाना चाहते हैं जो कि आपकी जो खेत में पानी की व्यवस्था है, तो आप जो है पान कंपनी का जमुना 804 एक बार लगा सकते हैं। अगर आपका खेत में पानी की व्यवस्था है तो आप ये वाली वैरायटी को एक बार जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। फिलहाल आज के जो है वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।